जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी की गई है ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.co.in पर 214 वैकेंसीज के लिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत कल यानी 16 सितंबर 2020 से हो रही है। इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.jagranjosh.com पर विजिट करके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने आपको इस आर्टिकल का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 के डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले इस आर्टिकल में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमने आपको मेंशन करके बताई हुई हैं। इन इंपॉर्टेंट डेट्स को आप देख लें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की जो शुरुआत है वो 16 सितंबर 2020 से हो रही है। लास्ट डेट सबमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30 सितंबर 2020 है। रिलेवेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन का मतलब ये है 1 सितंबर 2020 तक आपकी एज कितनी है, जो आगे हम आपको एज लिमिट बताएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी कम्युनिकेट नहीं करी गई है, इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट बैंक ऑफ इंडिया की चेक करते रहें, वहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट भी जल्द से जल्द बता दी जाएगी। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कुल वैकेंसीज 214 हैं। अलग अलग पोस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर, इकोनॉमिस्ट के लिए 4 पोस्ट, स्टैटिस्टिशियंस के लिए 2 पोस्ट, रिस्क मैनेजर के लिए 9 पोस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट के लिए 60 पोस्ट, क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए 79 पोस्ट, आईटी फिनटेक के लिए 30 पोस्ट, आईटी डेटा साइंटिस्ट के लिए 3 पोस्ट, आईटी डेटा एनालिस्ट के लिए 9 पोस्ट, आईटी इन्फो सिक्योरिटी के लिए 9 पोस्ट, टेक अप्रेजर के लिए 10 पोस्ट। अब इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट SMGS 4 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट MMGS 2 के लिए तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स में। अगर आप इसी तरह से स्टैटिस्टिशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फुल टाइम मास्टर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो स्टैटिस्टिक्स में या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में। अगर आप रिस्क मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेशन इन फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क, जो कि GARP है वहाँ से। क्रेडिट एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का फुल टाइम MBA होना चाहिए आपके पास फिनेंस में, या फिर PGDM आपने किया हो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हो फ्रॉम फिनेंस, और CA या फिर ICIWA से। आपको बता दें अगर आप क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके जो मिनिमम मार्क्स हों वो 60% होने चाहिए। साथ ही साथ आपने MBA किया हो, PGDM किया हो, या तो PGDM किया हो, या PGPM किया हो, या फिर PGDBA किया हो, इनमें से कोई एक किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से जो कि 2 या 3 साल का होता है प्रोग्राम, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो कॉमर्स में, साइंस में, या फिर इकोनॉमिक्स में, इनमें से कोई तीनों में से एक। IT फिनटेक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो BEO आपके पास या तो BTech हो, क्या कंप्यूटर साइंस में आपने किया हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप IT डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास PhD होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में। IT डेटा एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसी तरह से आप IT इन्फो सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये पूरी डिटेल जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया गया है। आपको पता है कि कितनी पोस्ट किस में निकाली गई हैं, आप किस में फिट होते हैं,
आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नीचे चलेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 सितंबर 2020 जो डेट है उसके हिसाब से 1 सितंबर 2020 को आपकी क्या एज रही है उसके हिसाब से यहाँ पर जो अभी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र जो है 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 सितंबर 2020। तो आप यहां पर देख सकते हैं हर पोस्ट के लिए अलग से जानकारी दी गई है। इसी तरह से अगर आप देखें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो आपका टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम यानी टेस्ट मतलब एग्ज़ाम, और आपका जो एग्ज़ाम की डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं करी गई है, उसके बारे में जानकारी आपको जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सैलरी के बारे में भी हमने बताया हुआ है, तो अलग अलग ग्रेड स्केल के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी दी गई है। जैसे हमने 4 बताई हैं यहाँ पर, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 और सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। तो जो भी यहाँ पर ग्रेड पे स्केल आप देख रहे हैं वो सारी मेंशन करके हमने बताई है। आपकी जो पोस्ट है वो जिस भी ग्रेड स्केल में फिट होती है उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको हाइपरलिंक यहाँ पर हम लोग ब्लू में आप देख रहे हैं वो हाइपरलिंक्स हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर रिक्रूटमेंट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं शॉर्ट नोटिस को, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर, जो कि एक शॉर्ट नोटिस निकाली गई थी, तो वो आप देख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर डिटेल शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उस दोस्त के साथ अपने। आपको बता दें अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, PDF देखना चाहते हैं उसका, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज के ऊपर। तो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो जारी की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये आपका PDF जो है वो भी डाउनलोड करने का हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, रेड कलर का बटन है, आप उसको क्लिक करें और आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर वैसे ही आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा ये बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हमने आपको बताया कि 16 सितंबर से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं 30 सितंबर 2020 तक bankofindia.co.in। इसके अलावा हमने ऐप पर लिंक भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सबमिट करें तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसका एक प्रिंट आउट ले लें, जो कि आपके आगे एग्ज़ाम में या फिर किसी भी और जानकारी के लिए काम आएगा। दोस्तों आपको बता देते हैं कि आप पूरा जो PDF है डिटेल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हमने आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो एक समरी के हिसाब से दी है। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप अप्लाई करें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो कैटेगरीज़ हैं SC ST PWD उनके लिए ₹175 इंटीमेशन चार्जेस लिया जाएगा उनसे अगर आप अप्लाई करते हैं, और जनरल और अदर कैटेगरीज़ के लिए ₹850 लिए जाएंगे, एप्लीकेशन फ़ी होगी और इंटीमेशन चार्जेस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। डिटेल नोटिफिकेशन PDF आप यहां से देख सकते हैं। जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका जो पूरी जानकारी है वो आपको PDF में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया में जॉब्स के लिए, तो 214 वैकेंसीज निकाली गई हैं और जल्द से जल्द आप इस पर अप्लाई करें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें jagranjosh.com।